ऑल आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बेस कैटेगरी क्लास बनाएंगे ताकि कैटेगरी के बेस कैटेगरी क्लास हो, उसके अंदर एक कैटेगरी नाम का भी एक क्लास हो तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग डाटा टेबल का इस्तेमाल करें, सर्वर साइड पेजिनेशन डाटा टेबल का इस्तेमाल करें, जेकेरो डाटा टेबल का। और हम लोग अपना यूआई भी चेंज करेंगे। पहले हम लोगों ने SVAdmin2 का इस्तेमाल किया था, अब फिर हम लोग अपना खुद का यूआई डेवलप करेंगे, बनाएंगे ऑफ कैंपस ऑफ कैनवस नेम बार। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस तरह से ये बन के आएगा ये। और ये हमारा प्रोजेक्ट है, एंगुलर का प्रोजेक्ट। इसमें मैं आने वाले वीडियोज़ भी आपका आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर एडमिन के बाद में जाऊँ कैटेगरी में, तो कैटेगरी में मेरा यहाँ पर ऐसे अभी लोडर नहीं लगा हुआ है। कैटेगरी से आएंगी यहाँ पे, कैटेगरी का जो भी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अभी कंसोल में मेरा एरर आएगा। कंसोल में एरर आएगा क्योंकि मेरा ये HTTP का सर्वर साइड एप्लीकेशन रनिंग नहीं है। हमारा जब सर्वर साइड एप्लीकेशन भी रन होगा तो उस केस में यहाँ से लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगा। हम लोग APIs का इस्तेमाल करेंगे, ASP.NET Core APIs का उसका इस्तेमाल करके ये एप्लीकेशन बना रहे हैं। और फ्रंट एंड हम लोग एंगुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये डिस्क्रिप्शन है, इस फीचर्ड है, इस फीचर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से सबमिट भी करेंगे तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर नहीं की है, एंड शेयर करें और जरूर प्रेस करें बेल बटन को फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ 2022 एडिशन को। वो इस्तेमाल करें तो ये अच्छा एक मतलब ये बेटर टेक्स्ट एडिटर है एज़ कम्पेयर टू 2022 में कुछ चेंजेस हो गए हैं। स्पेशली आपको अगर इंटेलिजेंस चाहिए आपको कंट्रोलर साइड में, तो आपको बहुत अच्छे सजेशंस मिलते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे आपके काम को आसान करने के लिए। ठीक है, हम अपना एप्लीकेशन रन कर दिया है, रन हुआ। उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए हैं हमारे एप्लीकेशन में। पिछले वाले वीडियोस के बाद मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। उसका वीडियो मैंने शूट करने का मेरे को टाइम नहीं मिला, पर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। उसको मैं अभी दिखा दूंगा क्या क्या मैंने चेंजेस किए। सबसे पहले मैं यहाँ पर सब कुछ बंद कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं एंटिटीज़ को यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ। ये मेरा बेस एंटिटी है और ये आई थिंक सो या इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम टू लोड। ठीक है, ये हमारा होम पेज है। होम पेज में सबसे पहले ये हमारा कोरोसल स्लाइडर है। इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ इमेजेस है आ रहे हैं, ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस है। पिक्सल्स का इस्तेमाल किया आई थिंक हम लोगों ने उसको इमेजेस को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंपल एक पेजिनेशन डाला है, जो पेजिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक में मैंने यहाँ पे चूज़ किया 1, सर्च मार रहा हूँ मैं। अभी मैंने लोडर नहीं डाला है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में थोड़ा लोडर आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए वन प्लस का ये इमेजेस आ रहे हैं। ये दोनों इसमें दोनों में 1-1 है तो ये आ रहा है। और रीसेट मैंने मार दिया यहाँ पर, रीसेट मैं क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेजिनेशन भी डाला है। एक चीज़ हम लोगों ने की, इमेजेस साइज़ बहुत बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे इमेज को भी लोडर ला सकते हैं, या फिर हम लोग स्पेसिफिक स्मॉल रेजोल्यूशन में इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशन सर्वर साइड कंट्रोलर में एक कोड लिख सकते हैं, उसके वो आपका इमेज की साइज़ को रिड्यूस करने के लिए एक थर्ड पार्टी न्यूगेट पैकेजेस का इस्तेमाल करके रिड्यूस कर सकते हैं और उसको फिर यहाँ पे सेव कर सकते हैं डाटाबेस में। अब मैं अगर लॉगिन करूँ यहाँ पे, मैंने लोडर नहीं डाला है, मेरे को लोडर डालना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने कर दिया है यहाँ पे, ये हमारा ये इसको मैंने बूटस्ट्रैप मॉडल का यूज़ करके हम लोगों ने अभी बना दिया। अभी मैं यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करूँगा, ड्रॉप डाउन में डैशबोर्ड में जाऊँगा। आप देखते हैं यहाँ पे साइड में थोड़ा मैंने लोडर डाल के रखा है, ये बूटस्ट्रैप का ही लोडर है स्नैपर। और यहाँ पे ये बाकी मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं हैं।
अभी मैं प्रोडक्ट पेज में जाता हूँ, आपको प्रोडक्ट पेज में देखिए ये हमारा इस तरह का पेजिनेशन आ रहा है। यहाँ इसमें कैटेगरी का फिल्टर है और ये सर्च है। अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल JW पेजर को। अभी इसको मैं चेंज करके डाटा टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। अभी यहाँ पे जितने भी मेरे डिटेल्स से मेरे ख्याल से ये इसमें मोडास का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, तो मोडास का मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि डाटा टेबल में जो हम लोग मोडाल इस्तेमाल करते हैं उसका डाटा टेबल में थोड़ा सा मोडाल का कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो जनरली मैं एंकर टैग्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लास को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी एक नया क्लास बनाते हैं, ऐड में जाते हैं, न्यू क्लास करते हैं और यहाँ पे एक नया क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बेस कैटेगरी नाम का एक क्लास बना देता हूँ। बेस कैटेगरी नाम का क्लास बना दिया, इसको मैंने यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर कर दिया और इसको मैंने बेस एंटिटी, आई थिंक सो ये मेरा बेस एंटिटी नाम का है, या बेस एंटिटी है मेरी क्लास, ठीक है। बेस एंटिटी मेरी ये क्लास है और इसका मैं चेक करूँ यहाँ पे, मेरे पास आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है और इस फीचर्ड है। मेरे ख्याल से इसके अलावा मेरे को कोई और नहीं चाहिए लेयर में, डीबी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक और डीबी सेट बनाना है। अभी मैंने अलग डेटा लेयर क्यों बनाया है, क्योंकि अभी मैंने अलग से डेटा लेयर इसलिए बनाया है क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि हम लोगों के पास बहुत सारे डाटा लेयर हो, एक से ज़्यादा डाटा लेयर हो सकते हैं, मतलब सर्वर्स हो सकते हैं, 5 से 6 सर्वर हो सकते हैं। उस केस में मुझे अलग अलग डाटा लेयर बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं डाटा लेयर अलग अलग बनाया। यहाँ पर मैंने डीबी सेट बना दिया है। यहाँ पर आई डोंट थिंक सो अभी मेरे को और कोई चीज़ ज़रूरत है, ओके। ये मेरा यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अब मैं प्राइमरी की कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे वो नहीं डाला है, फॉरेन की कुछ भी। इसको मैं सबसे पहले अपडेट डाटाबेस कर देता हूँ। अभी मैं सबसे बाहर जाता हूँ डाटाबेस में, SQL सर्वर ओपन करते हैं, TransDB में जाते हैं, इसको न्यू कैरी करते हैं। ठीक है, अभी इसको मैंने यहाँ पे बेस कैटेगरीज में कैटेगरी बेस आईडी इक्वल टू 1 कर दिया। अभी मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे मेरा सारे 1 आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले क्या करेगा, कैटेगरी से जाता हूँ, अपडेटेड बेस कैटेगरी, आई होप ये काम करेगा। अभी इसको मैं यहाँ पे लेट मी कॉपी दिस आई थिंक, ठीक है, कॉपी और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा कॉपी आ गया। अभी मैं इस बारे में आता हूँ, सो लेट मी चेक व्हाट आई डोंट नीड दिस कंटेंट जो जेक्वेरी, ये वेंडर का है, आई डोंट नो हाउ,
लेट मी रिमूव दीज थिंग्स। तो अभी मेरा सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ले लूँगा। ये मेरी CSS की क्लास है, आई डोंट नीड दिस CSS, सो लेट मी रिमूव दिस CSS। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये CSS क्लास हो गया। सो आई विल पुट इट हेयर। आई ऑल्सो डोंट नीड दिस सेकेंडरी थिंग। हो गया। अब jQuery के ऑफिशियल साइट से jQuery का एक आई एम यूजिंग अनकम्प्रेस बिकॉज अभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, जब हम लोग डीबगिंग कर रहे हैं डेव वर्जन में, तो उस केस में हम लोगों को ये इस्तेमाल करना होता है। बेटर टू यूज़ द नॉर्मल वन, अनकम्प्रेस वन। ये मेरे इतने आई डोंट नीड एनी आईडी काइंड ऑफ स्टफ है यार। रेंडर बॉडी है मेरे पास, आई थिंक आई रिमूव द रेंडर बॉडी एज वेल। लेट मी ऐड दिस इन रेंडर बॉडी। हो गया ये यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं मेन लेआउट में, आई थिंक सो मेन लेआउट में थोड़ा सा चेक करता हूँ मेन लेआउट में क्या था हमारा। आई थिंक आई रिमूव द मेन लेआउट। सो बॉडी के अंदर डायरेक्टली नैब डाला है, तो वही हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, ये नया हो गया। साथ में मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, इंडेक्स प्लेस में आता सबसे पहले। अभी कंट्रोलर्स में आई थिंक जो आई हैव अ डैशबोर्ड कंट्रोलर, उसके इंडेक्स में जाते हैं। आई हैव नथिंग, ओके दैट्स फाइन। इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद हम लोग एक बार बिल्ड कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। बट आई थिंक सो यहाँ पे मेरे को इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ आई थिंक कंटेनर फ्लूड आई शुड गिव अ कंटेनर, आई थिंक सो। तो लेआउट में जाते हैं, अब हमें नॉर्मल टेबल्स बनाना। लेट्स आई विल बी एडिंग द कार्ड्स, सॉरी वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। अभी आते हैं हमारा यहाँ पे, ये तो ये मेरा हमारा पेजिनेशन भी चल रहा है। डाटा टेबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक सर्वर साइड डाटा टेबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारे कोई भी .NET फ्रेमवर्क में, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये मेरा प्रोडक्ट कंट्रोलर है, उसमें मैंने जितने भी मेरे ऑलरेडी इंडेक्स मैंने बना के रखा था इंडेक्स पेज, ताकि हम लोग लिस्ट कर सके सारे प्रोडक्ट्स को। उसके लिए मैंने कुछ JW पेजर का इस्तेमाल किया था पहले, अभी मैं इसको चेंज करके डाटा टेबल में कन्वर्ट करना है, कोड में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स वाले पेज में जाते हैं और देखते हैं क्या मैंने चेंज किया। ये है मेरा डाटा टेबल का CDN लिंक, डाटा टेबल min.css और ये बंडल हमारा ये JS फाइल। ये CSS है, बूटस्ट्रैप 5 वर्जन वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरे थीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, पहले क्रिएट का ये मेरा इंडेक्स में कार्ड मैंने बना दिया है, थोड़ा ये प्रोडक्ट्स का नाम दिखेगा। और यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे URL हेल्पर का इस्तेमाल किया, रीसेट करने के लिए हेल्पर का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मेरा ये बॉडी होगा, यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल की क्लास डाल दे, आईडी डाल दे माई डाटा टेबल, इसको इस्तेमाल करके हम लोग डाटा टेबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फीड्स डाल ले, हेड में क्या क्या मैं डालूंगा, नेम चाहिए मेरे को, कैटेगरी नेम, प्राइस, क्वांटिटी और एक्शंस, एक्शन में एडिट और डिलीट रखेंगे हम। और ध्यान रखें टी बॉडी में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, खाली रखूंगा एकदम ब्लैंक,
और टी फुटर भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, टी हेड, टी बॉडी और ये टी फुटर, टी हेड और टी हेड डालना इंपॉर्टेंट है, टी बॉडी आप डालें पर उसको ब्लैंक रखें। यहाँ पे मैंने मॉडल डाल के रखा है, ये मॉडल वाला ये क्यूनल है, बाय चांस अगर मेरे को लेटर ऑन कोई अगर मॉडल का इस्तेमाल करना है तो उस केस में मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा लेटर टेबल में, उसके लिए मैंने रिकॉर्ड डाल के रखा है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये बनाया है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ये जब डॉम हो जाए, डॉम रेडी हो जाए तभी ये काम करेगा, तो इस केस के लिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन डाला, ये एक थोड़ा सा बेस्ट प्रैक्टिस होता है यूज़ करने के लिए, आप कर सकते हैं। अंदर आते हैं, इसमें क्या डाला है, बाइंड डाटा टेबल, ये हमारा फंक्शन है, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं जब हमारा वो होगा, क्या होगा, जब हमारा अब डॉम रेडी हो जाएगा। ये देखिए माय डाटा टेबल डॉट डाटा टेबल किया था, ये हमारा जब क्लाइंट साइड वर्जन इस्तेमाल करते हैं उस केस के लिए होता है, हम लोग अभी सर्वर साइड जान रहे हैं क्योंकि हमारा अगर आपके मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है उस केस में क्लाइंट साइड डाटा टेबल इज नॉट अ गुड अप्रोच, इधर यूज जे डब्ल्यू पेजर और यूज दिस सर्वर साइड डाटा टेबल, ठीक है। बाइंड डाटा टेबल वार करते हैं, यहाँ पे फंक्शन डाला, रिस्पॉन्स यहाँ पे लेंगे, ये आईडी है इसको डॉट डाटा टेबल, यही लिए उसके अंदर पैरामीटर्स डालने, सबसे वाला पैरामीटर बी सर्वर साइड, ये ट्रू लिखना है तभी सर्वर साइड काम करेगा। एस अजैक सोर्स, सोर्स क्या है मतलब कहाँ पे जाएगा, मतलब कौन से एक्शन में जाके हिट करेगा और वहाँ से डेटा उठा के ले आएगा, वो हमारा प्रोडक्ट है और ये गेट प्रोडक्ट, ये हमारा एक्शन है और वो हमारा कंट्रोलर है, अगर सेम कंट्रोलर में है तो दैट इन दैट केस कंट्रोलर नेम इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। सर्वर डेटा, यहाँ पे सर्वर डेटा, ये देखिए नाम सेम होना चाहिए, नाम देखिए एफ एन सर्वर डेटा, एस एच एक्स सोर्स, ये सब इंपॉर्टेंट नेम है, नेमिंग कन्वेंशन से है और ये ही करना है आपको, कैपिटल में ना कर दे, हो सकता है कैपिटल में करेंगे, हो सकता है आपका काम ना करें, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। फंक्शन एस सोर्स ए ओ डेटा एफ एन कॉल बैक, ये है तीन चीज़ें क्योंकि ये चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डॉलर डॉट अजैक्स, पहले से आप जानते हैं डॉलर डॉट अजैक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने पहले भी कवर किया है, कैटेगरी में अगर कवर किया होगा नहीं तो भी प्रोडक्ट्स में तो कवर किया है हम लोग। टाइप क्या है यहाँ पे, गेट, बाय डिफॉल्ट टाइप गेट होता है तो आपको जानने की जरूरत है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। डाटा ए ओ डेटा, डाटा क्या है हमारा ए ओ डेटा, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किया है ए ओ डेटा। यू आर एल एस सोर्स कहाँ पे है, वहाँ पे। सक्सेस एफ एन कॉल बैक, देखे ए ओ कॉलम्स, मेरा कॉलम्स क्या है, एम डाटा, नेम, कैटेगरी नेम, प्राइस, क्वांटिटी, ये सब मैं इस्तेमाल करूँगा इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है। ये बी सॉर्टेबल फॉल्स, एम डाटा, आई डी ए, ये क्यों मैं डाला है एम डाटा, आई डी क्यों डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को आई डी चाहिए एडिट करने के लिए। रेंडर, अब फिर यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे आई डी टाइप फुल मेटा खाली, देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका देख लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न हैंग सिंगल कोर्ट्स में ए एच आर ई एफ इक्वल टू यहाँ तक यू आर एल डॉट एक्शन हेल्पर स्लैश डाला वन किया इसे बंद कर दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पे आई डी को कॉन्कैट करना है, आई हैव टू कॉन्कैट द आई डी, इन दैट केस मेरे को ये स्लैश उसके साथ सिंगल कोर्ट्स के अंदर प्लस आई डी मैंने डाला है फिर मैंने डबल कोर्ट्स बंद कर दिया। ये सिंगल कोर्ट्स के अंदर मैं जब प्लस आईडी कर रहा हूँ तो उसमें कॉन्कैट कर रहा हूँ, ये तरीका होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में और यू कैन से जेक्वेरी में कैसे हम लोग कॉन्कैट करें, क्योंकि मेरे को आई नीड द आईडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई नीड द आईडी टू बी अपेंडेड टू एडिट फंक्शन, दैट्स व्हाई आई नीड दिस। क्लास डाले बी टी एन ऑन क्लिक एड एडिट प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसा मेथड ये डालना जरूरी है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको मोडाल में साथ काम करना है इन दैट केस इट्स इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट यूजिंग द मोडाल, वी आर यूजिंग डायरेक्टली रिडायरेक्टिंग टू अनदर पेज बिकॉज इन आवर केस वी हैव मल्टीपल एंटिटी सॉरी मल्टीपल फील्ड्स एंड वी हैव डिस्क्रिप्शन इन किसी के रीडर एंड इन वन मोडाल आई डोंट थिंक सो इट विल बी It will not look nice. So that's why we will be writing to another page. That will be better approach for us. ठीक है, अब processing true. Language ये क्यों डाला मैंने, ये मैंने डाला ताकि
जब मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, उन दैट केस अगर कोई थोड़ा बहुत लैग हो, मतलब डेटा मेरा मिलियन रिकॉर्ड हो, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, हो सकता है 5 सेकेंड लगे। उस टाइम में कुछ मेरे को मैसेज आया, जैसे मैंने लिखा रुको जरा तो थोड़ा टाइम लो, इसी तरह से आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये मेरा है जावा स्क्रिप्ट और यू कैन सॉरी जेक्यूरी वाला स्क्रिप्ट वाला काम। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट लेयर में क्या करेंगे, प्रोडक्ट पेज में। तो सबसे पहले क्या है, ये मेरा जेसन रिजल्ट है, जेसन रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। उसके साथ ये हमारा गेट प्रोडक्ट रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, यही मैंने डाला, इसी को यहाँ पे डालेंगे। डाटा टेबल का पैरामीटर्स लेते हैं, क्या क्या पैरामीटर। इफ आई शो यू ऑल द पैरामीटर्स बाय प्रेसिंग द F12, दीज आर द पैरामीटर्स, दिस अ क्लास आई हैव यूज्ड, दिस आर द डाटा टेबल पैराम। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्प्ले स्टार्ट, लेंथ है, कॉलम्स है, एस सर्च है, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है, सॉर्टेबल कॉल्स, कॉलम नेम्स, बी सॉर्टेबल, बी सर्चेबल, ये सारे डिटेबल पैराम से, इतने सारे लिस्ट, ये सब है, इतने सारे चीज़ें हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये कॉलम्स है, कितने सारे बी सर्चेबल, बी सॉर्टेबल, सारे चीज़ें हैं ये आप, और ध्यान रख के ये सेम यही लिखना पड़ेगा, कुछ चेंज वेंज ना करें तो हो सकता है आपका काम ना करें। अंदर आते हैं, ये हो गया पैराम हो गया। अब लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट व्यू डाटा, लिस्ट प्रोडक्ट व्यू डाटा। इफ गो टू द प्रोडक्ट व्यू डाटा, ये हमारी एक और क्लास है, इसको भी मैं जाता हूँ यहाँ पे F12 में करके, ठीक है। इसमें ID है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस, जितने भी कॉलम्स है हमारे मेन डेटाबेस में, वो सब यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, डेसिबल, डिस्काउंट, कैटेगरी नेम, दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। हमारा लिस्टिंग वाले में लिस्ट बना किया था, आप ट्राई कर सकते हैं आइनुमेरेबल से काम कर रहा है कि नहीं। अब हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली नेम्स आ रहा है उसको फिर बाइंड करेंगे डेटाबेस से लेके, उस अप्रोच का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि आइनुमेरेबल का इस्तेमाल करके लिस्ट करके कैसे आप कर सकते हैं, वो चीज़ आप ट्राई करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दिया, पेज नंबर 1, ये डिस्प्ले स्टार्ट करा, ग्रेटर देन है डिस्प्ले डॉट लेंथ। हम लोग सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि पेज हमारा पेज पेजिनेशन कैसे करेंगे, इसमें पेजिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम लोग पेज नंबर सबसे पहले 1 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले स्टार्ट चेक करेंगे, डिस्प्ले स्टार्ट अगर लेंथ से ज़्यादा हो तो उस केस में मेरे को पेज नंबर में यहाँ पे डिवाइड करूँगा स्टार्ट डिवाइडेड बाई लेंथ प्लस 1। टोटल काउंट यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा, टोटल काउंट 0 है। अब यहाँ फिर पैराम डॉट एस सर्च डॉट इक्वल टू नल, अभी मेरे को क्या करना है, मैं सर्चिंग करूँगा तो सर्चिंग में मेरे को मैं पहले चेक करूँगा दो कंडीशन, या तो मेरा सर्च डेटा नल हो सकता है या तो उसमें कुछ डेटा हो सकता है। अगर नॉट नलेबल है तो उस केस में क्या, नॉट नल है तो उस केस में मेरे को सर्चिंग वाला भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब मैं सर्चिंग में कैसा कर सकता हूँ, मैं सर्चिंग कहीं पे भी कर सकता हूँ, जितने भी कॉलम ने मैं उसमें से मैं किसी में भी सर्च कर सकता हूँ। हम लोगों ने पहले जो JW पेज डाला था उसमें मैंने एक ही नेम पे डाला था, अभी आप चाहे तो उसमें भी आप और कंडीशन डाल के मल्टीपल में चेक कर सकते हैं, वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ें आप भी करें, ठीक है। टोटल काउंट इक्वल टू क्या, DB डॉट प्रोडक्ट्स हमारा क्या है, DB क्या है हमारा है? मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके डाटाबेस से कनेक्शन बना दिया है, तो उसमें मैं चेक करूँगा वेयर। अब क्या है, ये है लिंक्यू, अगर आपको लिंक्यू सीखना है तो हमारे लिंक्यू वाला ट्यूटोरियल देखें, बेसिक सू एडवांस, ठीक है। एक्सटेंड सू एक्स डॉट नेम, अभी शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं, शीशा में एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, केस सेंसिटिव है, तो उसको लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं नेम लिख रहा हूँ उसको मैं टूल ओवर करूँगा डॉट कंटेंस पैराम शॉर्ट एस एस डॉट टूल ओवर, तो दोनों डाटाबेस वाला भी और इसका वाला भी टूल ओवर करके मैं दोनों को मैच करूँगा कंटेंस की मैट, अगर कुछ भी वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उस केज में ये लो साथ में। अब मेरे को प्राइस है, प्राइस क्या है, प्राइस मेरा नंबर है, तो नंबर को मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो सर्च वाला है उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दोनों को मैच करके मैं करूँगा, ठीक है। अब क्वांटिटी, अब आप बोलेंगे प्राइस को लोअर करेंगे, अब भाई जब मैं इंटीजर है, इंटीजर को मैं ऑलरेडी नंबर फॉर इंटीजर फॉर एग्जांपल 10 है, आई एम टेकिंग 10,
टेन है उसको नंबर है, उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो वो टेन ही लिख के आएगा, पर वो डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, उस केस में लोअर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो नंबर फॉर्म में। क्वांटिटी, क्वांटिटी को अभी टू स्ट्रिंग कर दिया। कैटेगरी नेम, अब कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम, एक्स डॉट कैटेगरी इफ, ठीक है, एक्स डॉट कैटेगरी, कैटेगरी हमारा क्या है, हमारा इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया था। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, आई थिंक डाटाबेस से ले रहा है वो, यहाँ पे इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया नहीं है, आई अब जस्ट मैंने हार्ड कोड किया है यहाँ पे इंस्टेंस, मैंने वहाँ पे मेन वाले में आप एंटिटीज में जाएंगे, एंटिटीज में मैंने वहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टेंस क्रिएट करके रखा है, वो इंपॉर्टेंट होता है, एक फॉरेन की काइंड ऑफ स्टफ बन जाता है वहाँ पे। तो एक्स डॉट कैटेगरी डॉट नेम, वो कैटेगरी का नेम किया, उसको टू लोअर किया, फिर मैंने सर्च किया डॉट टू लोअर, उसमें भी है तो वो भी आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब जब भी मैं पेजिनेशन कर रहा हूँ, When we are doing the pagination, it's most important to do the order by. Order by करना important है, अगर आप order by नहीं कर रहे हैं तो आपका pagination काम नहीं करेगा। तो order by करना है, order by क्या करना पड़ेगा, कोई एक primary ही होती है जो unique होती है, मतलब क्या, ID unique होती है, ID सबकी अलग अलग होती है, तो उस केस में x tends to x dot ID से मैं order by कर रहा हूँ। अगर आप SQL सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं उस केस में आईडी जैसे 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ऐसे। अगर आप सिनैप्स सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं उस केस में आईडी रैंडम जनरेट होती है, मतलब 60 डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे रैंडम जनरेट होती है, पर उस केस में भी आईडी यूनिक ही होती है। हो सकता है पहले वाले को आपको 70 आईडी मिल गई, दूसरे वाले को एक आईडी मिल गई, वो होता है अलग है, पर आईडी यूनिक रहती है, ठीक है। अब स्किप करना है, स्किप क्या करेंगे हम लोग, पेज नंबर ये आप देखें, स्किप, स्किप कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, पेज नंबर, पहले पहले केस में क्या होगा, 1-1 और param डॉट इस डिस्प्ले लेंथ, इस डिस्प्ले लेंथ क्या है, पहले बार 1 होगा तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और डॉट टेक param लेंथ 1, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में सेकंड, अब 2-1, ठीक है, मैं प्रोडक्ट सर्विस में जाता हूँ, यहाँ पे आप पेजिनेशन का कोड लिख सकते हैं, देख सकते हैं पेजिनेशन का कोड, यहाँ पे मैंने पेजिनेशन का कोड आपको एक्सप्लेन किया था। रिकॉर्ड साइज क्या है, रिकॉर्ड साइज यहाँ से क्या है, रिकॉर्ड साइज 4 है, 4 है ना, रिकॉर्ड साइज 4 है हमारे पहले बार में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मैंने पेजिनेशन किया है। पहली बार पेज 1 आएगी तो 1-1 × 4, तो पहली बार 4 रिकॉर्ड साइज लेगा, दूसरी बार 2 आएगी, 2-1 = 4, तो दूसरी बात क्या होगी, 4 पहले के 4 रिकॉर्ड को स्किप करेगी, बाद में क्या होगी, उसके बाद जो आने वाले 4 रिकॉर्ड से उसको लेगी वो, ठीक है। ये अब मैं आपको थोड़ा सा मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्किप करता क्या है, कैसे, पहले केस में 1-1 होगा इंटू 4, सॉरी इंटू 4, तो 4 आएगा पहले के 4 रिकॉर्ड, ठीक है ना, अब नहीं पहले बार तो 1-1 0 होगी, तो पहले केस में 0 रिकॉर्ड स्किप करेगी, दूसरे वाले में क्या होगा, सेकंड पेज नंबर है 2-1 × 4, तो अभी के क्या करेगा, 4 रिकॉर्ड स्किप करेगा, क्यों, यहाँ पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला पहले काम करता है बॉर्ड में, बॉर्ड मास का रूल, 3-1 × 4, इस केस में क्या होगा, कितना स्किप करेगा, 8 को पहले के 8 वाले स्किप करेगा और टेक करेगा बाकी के 4, तो ठीक है, ये तरीका होता है ये हमारा, ये इफ आई शो, उसी तरह से हम लोगों ने भी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी उसी तरह से काम करने वाला है। आई डिस्प्ले स्टार्ट, आई डिस्प्ले लेंथ से मैं पेज नंबर फाइंड करूँगा, पेज नंबर फाइंड होने के बाद मैं यहाँ से मैं इसको, आप देखिए वही मेरा पेज माइनस वन टेक आई डिस्प्ले लेंथ, आई डिस्प्ले लेंथ क्या है, हमारा रिकॉर्ड साइज, यहाँ पे आई डिस्प्ले लेंथ आई थिंक सो इट इज 10 बाई डिफॉल्ट 10 होता है आई डिस्प्ले, तो आई डिस्प्ले स्टार्ट greater than i display length
तो यहाँ पे डिवाइड करेगा प्लस वन पेज नंबर फाइंड करके, जो यहाँ पे ये सिंपल सा कोड है इसको यहाँ से ये टेक करके पेजिनेशन का वही है डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, एक्स जो न्यू प्रोडक्ट डेटा यहाँ से मैं बाइंड कर रहा हूँ सारे को, एक्स डॉट नेम इक्वल टू ये। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैसे किया था, डॉट टू लिस्ट डायरेक्टली कर दिया था मैंने, मैंने यहाँ पे एज क्यूरेबल और ये सब किया था फाइंड करके, वो थोड़ा था। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं उसी वाले जो तरीके से मैंने आपको पेजिनेशन पहले जे डब्ल्यू में पेजर में किया था, वही आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या किया है मैंने, ये हमारा है जिसमें मैंने सर्चिंग नहीं की है, दूसरा वाला है सर्चिंग नहीं की है। इन दैट केस मैं क्या करूँगा, टोटल काउंट ले लूँगा, टोटल काउंट डी बी इक्वल टू काउंट, और फिर उसके बाद ऑर्डर बाई कर दूंगा, सिंपली पेजिनेशन डाल दूंगा, सेम पेजिनेशन का कोड डॉट सेलेक्ट कर दूंगा ये बना के मेरी टू लिस्ट। ठीक है, रिटर्न जेसन कर दूंगा, ए ओ डेटा इज इक्वल टू लिस्ट कर दूंगा, एस ई को पैरामीटर एस ई को टोटल लेंथ टोटल काउंट टोटल रिकॉर्ड टोटल काउंट, अगर उसी तरह का पेजिनेशन है यहाँ पे ऐसे मेरा ये कुछ देखिए लोड हो रहा है, रुको जा रहा है, रिफ्रेश मारते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए पैराम में क्या क्या आ रहा है, आईएस कॉलम्स कॉलम्स फाइव है, सॉर्टिंग कॉलम वन है, एस सी को वन है, और यहाँ पे एक मिनट ये देखिए आप लेंथ पे डाटा लेंथ लेंथ क्या है 10 है, आई स्टार्ट क्या है आ गया। ठीक है, इस तरह से पेजिनेशन कर सकते हैं और डाटा टेबल का इस्तेमाल। अभी मैंने क्या क्या नहीं किया है यहाँ पे, सॉर्टिंग नहीं किया है यहाँ पे, आप चाहे तो सॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। अच्छा सॉर्टिंग का भी कुछ ऑप्शन है मेरे को, आई सॉर्टेबल सॉर्टिंग का कोड मैंने लिखा नहीं है अभी फॉर द टाइमिंग अभी, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं कैसे सॉर्टिंग करते हैं हमारे पेजिनेशन में ये, सॉरी डाटा टेबल में। तो ये काम थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं, वो बात अलग है, पर